नमस्कार, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। विदेश भेजने के लिए दिए पैसे वापस मांगने पर एजेंट ने क्लाइंट के साथ की गाली गलौज। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद जहांगीर को कमाल के द्वारा विजिट वीजा में बाहर भेजा था, जहां सही नौकरी नहीं मिलने के कारण जहांगीर वापस आ गया था। कमाल ने वादा किया था कि पूरा पैसा वापस कर देंगे, जबकि कमाल ने आधा पैसा दिया। जब जहांगीर अपने भाई के साथ कमाल के घर पैसा मांगने गया तो कमाल ने उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट की। वहीं आज इस मामले पर जहांगीर अपने परिवार के साथ SSP कार्यालय पहुंचा और SSP को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई। मामला ऐसा है कि कमल खान रोने वाला आज से 5 साल पहले बड़ा भाई को बाहर भेजा था, तो वहां पे विजिट वीजा में गया था। जाने के बाद भाई फंस गया था। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम मोहम्मद जहांगीर हुआ। वो बोला कि आने के बाद हम पैसा वापस देंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है। 4 साल से जला। कितना पैसा लिया था वो? 70,000 रुपये लिया था। आने के बाद आधा पैसा दे दिया, जिसमें से 16,000 रुपये मेरा बचा हुआ। मेरे को 20 तारीख का डेट दिया था। कल नमाज के बाद जब उस कमल खान के घर गए हम और मेरे भाई, तो कमल खान से पैसा की बात किए तो बोलता है कि पैसा नहीं देंगे, जो करना है आप लोग कर सकते हैं। इसी दौरान उसका भतीजा लोग आ गया, वो आके मेरे भाई को ठेला ठली करने लगा। तो उसके दौरान भतीजा का नाम क्या? भतीजा का नाम इमरान हुआ और एक एक जग्गी हो गया और उसका अन्य परिवार लोग सारे लोग मिलके हमला करना स्टार्ट कर दिए। हम लोग अपना जान बचा के वहाँ से भागे और उसके बाद थाना परवारी और SP ऑफिस में अभी हम लोग लिखित दिए हैं। सर से अभी बोले हैं तो सर बोले कि ठीक है, मानगो थाना को हम कॉल करते, आप लोग वहाँ जाइए। कमल खान रोड नंबर 13 में रहते हैं जी। एजेंट है, दलाल है, फर्जी काम कर रहे हैं, पब्लिक को भेज के सब लोग को फंसाने का काम करते हैं। और ये अभी से नहीं, बहुत दिन से ये सिलसिला चल रहा है। और मानगो थाना में बहुत सारा केस हो चुका है उनके नाम से, पर मानगो थाना कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना कमल खान के ही हमेशा सुनते हैं। इसमें लोग आए हैं सर के पास में, बहुत वहाँ पर ही CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, वहाँ पर जाँच किया जाए किसका गलती है, क्या मैटर है, वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा। अगल बगल के सारे लोग से पूछे, अगल बगल के लोग भी वहाँ शामिल है मारपीट में, और हम लोग सिर्फ 2 जन थे। चाकू चूरा लेके दौड़ा रहा है मारने के लिए हमको, अपना जान बचाने के कारण हम वहाँ से भागे। और घर पे भी आके धमकी दे रहा है कि अगर मेरा घर पे दोबारा तुम लोग आएगा पैसा मांगने तो तुम लोग को जान से मार देंगे। कल आप थाना गए थे? आप लोग जी कल थाना गए थे। थाना में यही बात बोला भाई लोग को कि आप लोग जाइए, आप ही लोग उल्टा मारे हो। वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग आए हैं SP ऑफिस में सर से मिलने के लिए। सर क्या सुन दिए? सर मेरे को बोले कि ठीक है आप लोग जाइए, हम मानगो थाना में फ़ोन कर देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर ही अप्लीकेशन डाल दिए हैं और अभी हम लोग मान